दोस्तों, BSF नई भर्ती 2024 को लेकर के ऑफिशियल नोटिस आ गया है। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे BSF नई भर्ती 2024, इसमें जो आप लोग देखेंगे इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th और 12th पास है, और इसमें आप लोग देखेंगे तो सैलरी जो 35,400 है, ठीक है। आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, इसमें आप लोग को पूरा डिटेल जानकारी मिल जाएगा कितने पदों पर ये रिक्वायरमेंट आया है, ठीक है, और कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, उसको लेकर के संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पर जो भी अपडेट होगा सरकारी एग्जाम से लेकर के उसका सबसे पहले आप लोग को इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिल पाए। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो BSF वैकेंसी यानी BSF में 10वीं पास के लिए निकली बहाली, ठीक है, और इसमें नोटिफिकेशन हुआ जारी। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे इस भर्ती को लेकर के जैसे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को किस तरीके से आवेदन करना है उसको लेकर के यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगा। जैसे कि इसमें आप लोग देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो कक्षा 12वीं के लिए जो है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसमें पदों की संख्या वगैरह सब चीज़ को लेकर के यहाँ पे जानकारी दिया गया है, और हम लोग देखते हैं इसको लेकर के कब से आवेदन स्टार्ट हो रहा है उसको लेकर के यहाँ पे आप लोग देखिए। जैसे कि बताया गया है सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के द्वारा अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन हाल ही में जारी कर दिया गया है, ठीक है, और इसमें आप लोग देखेंगे नोटिफिकेशन जारी हुआ, और इसमें आप लोग देखिए यहाँ पर जो है इसके लिए आप लोग को सारा डिटेल यहाँ पे आप लोगों को जानकारी दिया गया। जैसे इसमें आप लोग देखिए BSF वैकेंसी 2024, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इस रिक्वायरमेंट को लेकर के हम बात करें तो यहाँ पे जो कितने नंबर्स ऑफ पोस्ट यानी कितने पदों पे रिक्वायरमेंट है और इसके लिए जो है आवेदन जो है कब से आप लोगों को फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दिया गया है, ठीक है। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कब से ही आवेदन स्टार्ट हो रहा है भरने का, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो BSF भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, और इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन जो है 18 मई 2024 से शुरू हो चुकी है, ठीक है, यानी 18 मई 2024 से शुरू होगी, ठीक है, होने वाली है। और इसमें आप लोग देखेंगे जिसमें उम्मीदवार जो है इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे, और इसका अंतिम तिथि भी दिया हुआ है यानी कब तक इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर पाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग को इसकी अंतिम डेट भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे सीमा सुरक्षा बल के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया जो है 1 महीने का समय दिया गया है, जिसमें आप लोग देखेंगे आवेदन जो है जैसे कि 18 मई से लेकर के और अंतिम तिथि जो है मतलब 16 जून तक रखी गई है, ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें आवेदन शुल्क क्या लगेगा, और इसमें आप लोग को जो है BSF भर्ती नोटिफिकेशन और इसमें देखेंगे आवेदन शुल्क वगैरह सब चीज़ यहाँ पर दिया गया है, कितना आवेदन शुल्क देना होगा और उसको लेकर के यहाँ पर दिया गया है जानकारी। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो दिया हुआ BSF भर्ती शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पे जो है शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ये जो रिक्वायरमेंट है जिसमें आप लोग देखेंगे 10वीं और 12वीं पास अगर हैं आप तो इस फॉर्म को आप लोग आसानी से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है जैसे आप लोग देखिए तो इसके लिए 10वीं और 12वीं पास मांगा गया, और ये जो है जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है भर्ती जो है इसके लिए आयु सीमा जो है 18 से लेकर के 30 साल रखी गई है, ठीक है, यानी 18 से लेकर के 30 के बीच में अगर आप हैं तो इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकते हैं। और हम लोग देख लेते हैं जैसे कि इसमें जो है BSF भर्ती है तो पद का विवरण जो है किस किस पोस्ट पे रिक्वायरमेंट आया है उसको लेकर के यहाँ पे दिया गया है जानकारी। जैसे कि इसमें हम देखेंगे तो अच्छे अच्छे पदों पर रिक्वायरमेंट देखने को मिल रहा है, जैसे कि BSF भर्ती के अंतर्गत उम्मीदवारों के लिए मुख्य पदों जैसे कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल आमंत्रित किया गया है, ठीक है, यानी इन सभी पदों पर लेकर के रिक्वायरमेंट दिया गया है, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ पोस्ट यानी कितने नंबर ऑफ पोस्ट पर आया है ये रिक्वायरमेंट तो इसको हम लोग देख लेते हैं। और इससे पहले आप लोग देखिए आवेदन करने के लिए जो है कितना शुल्क लगेगा, तो ये जो है आप लोग को देखिएगा तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए जो है सामान्य वर्ग हो गया या EWS हो गया या OBC हो गया इन सभी के लिए जो है 100 रुपया लगेगा, बाकी सभी जो है जैसे कि SC ST OBC और महिलाओं के लिए जो है कोई पैसा नहीं देना होगा। आगे हम लोग देखते हैं जैसे जो है जैसे कि BSF भर्ती के लिए चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो इसमें आप लोग देखेंगे चयन की प्रक्रिया के लिए इसमें सबसे पहले आप क्या करना होगा, तो इसमें आप लोग को जो है रिटर्न एग्ज़ाम लिए जाएंगे, ठीक है, यानी कि लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आप लोग देखेंगे तो फिजिकल हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना, लास्ट में मेरिट लिस्ट बन जाते हैं। अब BSF के लिए नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन जो आप लोग को दिखाया गया, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप नंबर्स ऑफ वैकेंसी कितने हैं वो भी हम आप लोग को बताने वाले हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे BSF भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन
कैसे करें? तो यहाँ पे जो है जैसे आप लोग देखेंगे इसके जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि आप लोग ऊपर बताए। और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद आप लोग को अप्लाई नाउ पर क्लिक करके और जिस तरीके से अन्य फॉर्म को आप लोग फिलअप करते हैं सेम उसी तरीके से इसका भी प्रोसेस है, उसी तरीके से इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकते हैं। अब बात करें हम कितने पोस्ट पर रिक्वायरमेंट आया, तो ये जो आप लोग को पोस्ट है लगभग 140 प्लस पोस्ट पर ये रिक्वायरमेंट देखने को आप लोग को मिलेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा, 140 पोस्ट पर आप लोग को रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगा। और ये जो है इसके मेन वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जैसे बी वैकेंसी जो है आप लोग देखेंगे तो वहाँ डायरेक्ट जाकर के भी इस रिक्वायरमेंट को देख सकते हैं। ठीक है, और आवेदन जो है 18 तारीख से लेकर के 16 जून तक आप लोग को इसका आवेदन होंगे। और जो है इसका अगर बेहतर रूप से तैयारी करना है तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।